नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन बैंक। अभी हम हैं आरजेडी के प्रवक्ता और समस्तीपुर विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन के सरकारी आवास पे, जो कि इको पार्क के पास है, और यहाँ पे हमने इनका इंटरव्यू लिया और अभी पता चला कि वो विधानसभा निकलेंगे। गाड़ी से जाते थे पहले, लेकिन पैदल भी चले जाते हैं, बगल में है, ज़्यादा दूरी नहीं है तो पैदल भी चले जाते हैं। मोटरसाइकिल घर में रहता है यहाँ पे, तो मोटरसाइकिल से भी अक्सर विधानसभा चले जाते हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? नहीं, खास के तो अभी के दिनों में तो तेल इतना महंगा कर दिया है सरकार ने कि हम लोग को फोर व्हीलर गाड़ी पे चलना बहुत कठिन हो गया है। सरकार जो हम लोग को कुछ भत्ता वगैरह देती है वो इतना कम रहता है और लगातार कीमत इतना बढ़ता जा रहा है। अभी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट जो है तेल का, वो 30% घट गया है। सारी दुनिया में तेल और पेट्रोल डीजल की कीमत घटती जा रही है, लेकिन अपने यहाँ भारत में 3 रुपया फिर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया। पेट्रोल को लेकर कहीं ना कहीं आपको चिंता है? निश्चित रूप महंगाई पेट्रोल को लेकर, पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी बढ़ती जा रही है कि लोकल काम हम चाहते हैं कि मोटरसाइकिल से ही कर लें, अब वहाँ 200-400 रुपये का तेल जलेगा, यहाँ मेरा 20 रुपये का जलेगा। तो इससे एक मैसेज भी जाता है कि भाई इस तरह से महंगाई आप बढ़ाओगे तो आज का युवा कैसे चलेगा। आज का युवा जिसको आमदनी नहीं है, बेरोजगारी है, और पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल का दाम घट रहा है, 30% रेट घटा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, 30% घटा है, और यहाँ बढ़ाया जा रहा है, फिर बढ़ा दिया अभी 3 रुपया। तो तमाम चीज़ों को जिस तरह, ये एक दोहन है, शोषण है। और हम घूमते हैं तो एक मैसेज भी लोग पूछता है कि मोटरसाइकिल से घूमते हैं तो बढ़िया तेल बचाते हैं, इतना महंगाई बढ़ गया है कि हम लोग को दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे आप जा रहे हैं और तस्वीरें भी हम लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे। टाइम हो गया है, कितने बजे मीटिंग का टाइम हो गया है? मेरे अभी पहुँच जाना है, हमको 10-15 मिनट में पहुँच जाना है मीटिंग में। ठीक है, तो आपने तस्वीरें देखी कि आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब मोटरसाइकिल से विधानसभा के लिए निकले हुए हैं और साथ में कोई सिक्योरिटी भी नहीं लेके जा रहे हैं, और ये यहाँ पे जो आम जनता है वो तो है ही परेशान महंगाई की मार से, लेकिन कहीं महंगाई की मार से परेशान है ही आम जनता, लेकिन यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि एक विधायक भी महंगाई की मार से कहीं ना कहीं परेशान है। तो विधानसभा बगल में ही हम कोशिश करेंगे कि आपको तस्वीरें दिखाएं तो कि किस तरीके से आरजेडी विधायक शाहीन साहब जा रहे हैं। तो लगातार जो कि समस्तीपुर से विधायक हैं, आगे बढ़िए पूरा, जो कि समस्तीपुर से विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन महंगाई की मार कह रहे हैं कि महंगाई इतनी हो गई है कि हमको छोड़ना पड़ा जो गाड़ी से वो जाते थे। कहते हैं कि गाड़ी से जाने में खर्च लगता है, तो बगल में है तो हम मोटरसाइकिल से या पैदल निकल जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जैसे पेट्रोल की कीमत घट रही है, लेकिन हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ते जा रही है, तो उनको लेकर कहीं ना कहीं चिंता है, और देश में जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं चिंता है। तो विधानसभा के अब करीब हैं विधायक जी, और देख रहे हैं कोई भी सिक्योरिटी जो है वो लेके नहीं जाते हैं, कहते हैं कि आवास के बगल से है तो हम मोटरसाइकिल से ही चले जाते हैं, कहीं महंगाई की ये मार है। तो विधानसभा हम पहुंच चुके हैं और अभी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन गाड़ी कहीं पार्क करेंगे, तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन का, जो कि अक्सर गाड़ी से ही, मोटरसाइकिल से ही वो विधानसभा आते हैं या पैदल आते हैं। हम चाहेंगे कि जहां वो गाड़ी पार्क करें वहां उनसे हम कुछ बात भी करें, वो गाड़ी कहीं पार्क करें। तो महंगाई की मार को देखते हुए लालू प्रसाद यादव के विधायक, जो कि समस्तीपुर के विधायक हैं और आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो मोटरसाइकिल से विधानसभा की मीटिंग में पहुँचे हैं। कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, हेलमेट लगाए हुए हैं और सीधा विधानसभा पहुँचे। हम इनसे बात करेंगे अगर यहाँ पर गाड़ी रोकते हैं कि ठीक है महंगाई की मार है, लेकिन उस वो पटना में जहां आम दिन हत्याएं होती रहती हैं, उस पटना में विधायक जी कोई भी सिक्योरिटी गार्ड लेके क्यों नहीं चल रहे हैं, या इन्हें मिला भी है सिक्योरिटी गार्ड कि नहीं मिला है पता नहीं। तो ये रुकते हैं तो हम इनसे बात करेंगे क्या मामला है। रुकिए, उतरिए, कैमरा मैन साहब उतरिए। तो गाड़ी पार्क हो गई है, तो हम जानना चाहेंगे साहब, ये तो समझ में आता है कि महंगाई की मार है इसलिए आप मोटरसाइकिल से विधानसभा पहुँचे हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? सिक्योरिटी गार्ड असल में दूर ज़्यादा नहीं है, और विधानसभा से बहुत दूरी पे हम नहीं रहते हैं, इसलिए कभी पैदल भी कोशिश करते हैं चले आएँ और मोटरसाइकिल से भी चले आएँ। तो सिक्योरिटी गार्ड बहुत अनिवार्य हमारे लिए नहीं लगता है, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा, मुझे नहीं लगता है मुझे किसी तरह का खतरा है। अच्छा। मैं तो जनता के बीच रहने वाला लोग हूँ। ये तो चिंताजनक है ना कि एक विधायक गाड़ी छोड़ देता है, मोटरसाइकिल से आता है, पैदल आता है, आम जनता का क्या हाल होगा?
नहीं एक तो है, देखिए महंगाई तेल का जिस तरह से बढ़ रहा है तो आपको एहसास नहीं होगा कि बड़ी संख्या में लोग अपनी गाड़ियों को घर में लगा के रखते हैं। जब हम लोग को एक कुछ सैलरी मिलता है और हम लोग को अखड़ जाता है कि गाड़ी से इतना घूमना, क्षेत्र जाना, समस्तीपुर से पटना आना, हर दो दिन पे तीन दिन पे आते जाते रहना, इतने क्षेत्र में फंक्शन वगैरह होते हैं उसमें जाना आना, तो पूरा सैलरी का पैसा मेरा उसी में चला जाता है। जितना सैलरी मिलता है पूरा उसी में चला जाता है, बाकी जो बहुत सारे अखराजात खर्च होते हैं तो वो भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सब एमएलए ऐसे नहीं होते हैं जो बहुत सारे बिजनेस व्यापार करते हों, कॉन्ट्रैक्टर हों, बहुत सारे चीज़ में उनका मतलब बिजनेस वगैरह हो। सब एमएलए आधे एमएलए ऐसे होते हैं जो कंप्लीट सोशल वर्कर होते हैं, आधे से अधिक जो कंप्लीट सोशल वर्कर होते हैं और वो दिन रात पब्लिक का ही काम करते हैं और उनको वही जो वेतन मिलता है, जो भी कुछ मिलता है, भत्ता वगैरह, उसी से काम चलाना पड़ता है। और महंगाई इतना, जिस तरह से हर चीज़ का महंगाई, तमाम चीज़ का महंगाई जिस तरह से बढ़ा है तो भारी कठिनाई होती है। खास के तेल जो बढ़ा है, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं और जनता के बीच हमेशा पटना में भी मीटिंग में रहना है। आज ही हमको समस्तीपुर में एक श्राद्ध कार्यक्रम, एक पत्रकार वहाँ चुनचुन जी एक पत्रकार हैं, कौन चैनल नाम उनका, सिटी चैनल शायद नाम है, तो उनके पिताजी का निधन हो गया है, तो उस श्राद्ध में भी जाना है, तो फिर जाइए, फिर 1500-1700-1800-2000 करते हैं। हाँ, तो वो महंगाई को सरकार को चाहिए था कि महंगाई पे रोक लगाए, खास के जब हम लोग को एक सैलरी मिलता है तो अखरता है। जो युवा करोड़ों की संख्या में जो युवा बेरोजगार हैं और उनको गाड़ी हटाओ यात्रा भी आप निकाल रहे हैं, हाँ, तो बेरोजगार आदमी का क्या हाल होता होगा इस महंगाई में। इसीलिए हम हमारी पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि भाई बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है और जिससे हमारा युवा एकदम कहिए कि एकदम बहुत निगेटिव होता जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी के कारण सब में बहुत बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है हमारा युवा, तो एहसास कमतरी जिसको कहते हैं, इन्फिनिटी कम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, उसमें हमारा युवा आ गया है कि पढ़ लिया, इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, उसको 10-15-20 हज़ार का नौकरी नहीं मिल रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, दर बदर की ठोकर खाना पड़ रही, गंभीर चिंता का विषय। इसलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, चुनाव के वर्ष है, चुनाव होने जा रहा है, तो हम लोग का है सबसे बड़ा मुद्दा, हम बेरोजगारी बनाएंगे का मुद्दा बनाएंगे और हमारी सरकार बनेगी तो करोड़ों की तादाद में कैसे हमारे युवाओं को रोजगार मिले, उस पर हम लड़ाई करेंगे और यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के प्रवक्ता और समस्तीपुर विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब। तो शाहीन साहब जो हैं वो मोटरसाइकिल से यहाँ विधानसभा में पहुँचे हैं और अभी मीटिंग में शिरकत किए हैं। तो तस्वीरें आपने एक्सक्लूसिव दिखाई किस तरीके से अपने आवास से लेकर विधानसभा तक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, जो समस्तीपुर के विधायक हैं और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, वो पहुँचे। इस महंगाई के बारे में उन्होंने समस्या बताई कि महंगाई का ये आलम है, तो एक जो आम ये होता है, जो इंसान होता है, उसका क्या हाल होगा जब एक विधायक अपनी गाड़ी को छोड़कर मोटरसाइकिल से सफ़र करने लगता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।